आज मैं अपने किचन में सूखे खुबानी और इमली की चटनी बना रही हूँ। मैंने बाजार से ला के पहले अच्छी तरीके से मैंने खुबानी को साफ किया है। मैं इसी तरह घर में जब कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, या चाट बनानी हो, या चपली कबाब, शामी कबाब, सीख कबाब और ये हम चिकन कबाब के साथ भी चटनी लेकर मजे मजे से खा सकती है। जब हम मछली फ्राई करती है उसके साथ भी ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने पहले इमली को अच्छे तरीके से पकाकर तो फिर मैंने ये चटनी को तैयार करने लगी हूँ। पकाई हुई इमली जो होती है वो कभी भी गला ख़राब नहीं करती। इस चटनी में मैंने बहुत सारे मसाले डालने हैं। काली मिर्च डलेगी, इसमें ज़ीरा डलेगा, सुरख मिर्च डलेगी और काला नमक, जो कि बहुत ही मज़े की ये चटनी तैयार हो जाएगी। अगर आपने इसकी पूरी रेसिपी देखनी है, इमली और खुबानी की चटनी बनाने का तरीका, तो आप मेरे चैनल जजीरा कुकिंग चैनल पे देख सकते हैं।